बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फैसल टाउन फेज़ टू के मैप के हवाले से। एक बहुत खुशाइन खबर आई है कि फैसल टाउन फेज़ टू का मैप जो है वो मिला के रिवील कर दिया गया, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप है, बहुत वर्किंग हुई है। तीन मरतबा ये मैप रिजेक्ट किया गया है ऑफिशल्स की जानब से, और चौधरी जुहैर मजीद जो है उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत किया है इस प्रोजेक्ट को, और इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर इस अरसे में हमें भी जो डिज़ाइनर हैं उनसे मिलने का, उनकी ब्रीफिंग लेने का भी इतफाक हुआ, और बड़े बेहतरीन किस्म का एक डिज़ाइन जो है वो मिला के नजर आप पे आ गया है। ये अपनी नौयत का एक बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पे 5000 कनाल पे मुहित जो है एक बहुत बड़ा जो कमर्शियल है वो बनाया जाएगा। उस कमर्शियल को बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कहा भी जाएगा, और ये इसके अंदर जो है इसके पिवट पॉइंट के अंदर ये एक ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट की तरह का एक पानी का जो कचरा होता है उसकी तरह का होगा। 5000 कनाल पे ये कमर्शियल होगा, और इसी के दरमियान से पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है, पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है, जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब खुद बना रहे हैं, और जिसका बजट जो है वो बताया जा रहा है कि $1 बिलियन जो है वो उस पर खर्च किया जाएगा, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी। और मुख्तलिफ किस्म के कमर्शल होंगे, टॉलेस्ट कोई ऐसा कमर्शल नहीं होगा कि छोटे वाला कोई भी मेन रोड के ऊपर वाला जो कमर्शल है जो दूसरे कमर्शल का हक है, बड़े बेहतरीन किस्म से जो है वो रैपिडली जैसे स्टेप बाई स्टेप जाते हैं वैसे हाइट्स पे रखा जाएगा उसको, और जो ड्रॉपलेट ऑफ होल्ड का पिवट पॉइंट होगा वहाँ से पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग वहाँ पर बननी चाहिए। तो चकरी रोड का ये जो हिस्सा है ये वाकई ड्रॉपलेट ऑफ होल्ड बनने जा रहा है, उम्मीद की एक नई किरण बनने जा रही है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी खुशाइन बात यह है कि 364 फीट वाइड जो है वो मेन बुलीवर्ड 5 लाइनों की बनाई जाएगी, और मेन एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद की जो है वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसकी 3 लेन्स हैं जो चलती हैं, बाकी 2 तो एक हैवी ट्रैफिक के लिए या फिर एक तो उसके बाद उतनी यूज होती नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी 3 लाइन्स हैं। लेकिन यहाँ पर 5 लेन्स बनाई जाएंगी, और बहुत बड़ी ये लैंड है, बहुत बड़ी मेन बुलीवर्ड रोड बनाई जाएगी, और इसके साथ 284 फुट जो है वो एडजेसेंट रोड बनाई जाएगी, फिर उसके साथ साथ रफ्तार रफ्तार 260 फीट वाइड होगी, 80 फीट वाइड होगी, 60 फीट होगी, उसके बाद 40 फीट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाज करनी छोटी होगी, लेकिन एक बहुत बेहतरीन किस्म की बनाने जा रहे हैं। 11 किलोमीटर का जो इसका फ्रंट है वो चकरी रोड जो आ रही है आपकी रिंग रोड उस पर होगा, रिंग रोड का जो 11 किलोमीटर का फ्रंट इस न्यू फैसल टाउन फेज़ टू को मिलेगा। इसके साथ साथ 10 किलोमीटर का जो फ्रंट है वो मोटरवे को मिलेगा। इसके 3 गेट होंगे मोटरवे पे एक अलग से, और उम्मीद की जा रही है, अभी तो वक्त से पहले कुछ चीज़ें रिवील नहीं की गई और कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जो एक गेट है मोटरवे के लिए वो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर एक इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो कि पहाड़ी है उसके पास एक उम्मीद की जा रही है कि जो है वो छोटी पहाड़ी के पास एक इंटरचेंज बनाया जाएगा। हमने जो ऐसी बातें सुनी उस हवाले से आपको बताया, फिर एक रिंग रोड के ऊपर एक इंटरचेंज बनाया जाएगा, वहाँ से एक एक्सेस होगा, एक दूसरा जो मेन तीनों मेन गेट जो है वो बनाए जाएंगे फैसल टाउन फेज़ टू के हवाले से। तो फैसल टाउन फेज़ टू की जो डेवलपमेंट के हवाले से बहुत से लोग पूछ रहे हैं, अभी लैंड लेवलिंग का काम जारी है, बड़े जोरों से काम जारी है, क्योंकि अभी तक जो जब मजीद साहब ने 1 लाख कनाल जमीन खरीद ली है, उन पर जो है वो मुख्तलिफ जो छोटी छोटी सोसाइटियाँ थी उनके आमदर से सारी ज़मीनें जो सबको बेच दी हैं, और 1 लाख कनाल से ज़्यादा ज़मीन जो है अभी तक वो उनके कागजात हासिल कर चुके हैं, और वो बड़ी तादाद तक उसको लैंड लेवलिंग कर रहे हैं, और बहुत बड़ा लैंड लेवल करने का काम शुरू है। बताया जा रहा है कि इस साल नवम्बर में बाकायदा तौर पर जो प्लॉट कटिंग है और जो स्ट्रीट कटिंग है उसका काम शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत खुशाइन खबर है। तो फैसल टाउन फेज़ टू के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो रिवाइव कर रही है, बहुत बेहतर हो रही है, चीज़ें जो है वो नॉर्मल की तरफ हो रही हैं, रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो माजी की नस्बत जो है जो हालिया कुछ दिनों का एक ड्रॉबैक था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चीज़ें होती रहती हैं मुल्क के अंदर, लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी एज सच इतनी बड़ी रुकती नहीं है, तो मार्केट थोड़ी ख़राब थी और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई है, फैसल टाउन फेज़ टू की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो रही है। अगर आपने अभी तक कोई चीज़ फैसल टाउन फेज़ टू के अंदर नहीं ली तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फैसल टाउन फेज़ टू की अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े डेवलपर बन चुके हैं, मुतद्दिद जो है सोसाइटीज डिलीवर करने का एक्सपीरियंस है, और चौधरी अब्दुल मजीद साहब इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक नेम है, एक ट्रस्ट है, एक अपने अंदर ही एक एनओसी है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब को मार्केट इस कदर ट्रस्ट करती है कि दिनों के अंदर उनकी सोसाइटियाँ बेच जाती है, लाखों किनार की सोसाइटियाँ बिकी हैं। सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो फैसल टाउन फेज़ टू के अंदर इन्वेस्टमेंट करें,
नीचे दिए गए नंबर 0337777325 पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरी टीम हवा और आपको सर्विसेज देने के लिए तैयार है। आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेजबान और पानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।